जोरापगर थाना क्षेत्र के भूलन बरारी शिव मंदिर के पास बीसीसीएल के अस्पताल के समीप रहने वाले अधिवक्ता देवेंद्र प्रसाद के घर में चोरों ने लगभग 7 ताले तोड़कर घर में प्रवेश किया, फिर 3 अलमारी और एक शोकेश का ताला तोड़कर लगभग सोना चांदी आभूषण सहित नकदी 1.5 लाख की चोरी कर फरार हो गए। अधिवक्ता देवेंद्र प्रसाद ने कहा कि हम लोग अपने भाई की शादी में 9 तारीख को शेखपुरा गए हुए थे। रविवार को सुबह जब घर आए तो देखा ताला टूटा हुआ है, सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ है, जिसमें सोने चांदी का आभूषण सहित नकदी लगभग 25,000 और फ्रिज स्टेबिलाइजर आदि चोरी कर फरार हुए हैं। इस घटना की सूचना सर्वप्रथम अधिवक्ता ने 100 नंबर पर डायल कर दिया। उधर से खबर आई कि आपका केस जोरापकड़ थाना को सूचित कर दिया गया है, लेकिन शाम को लगभग 5 बजने को आए हैं, अभी तक थाने की तरफ से किसी प्रकार की कोई खोज खबर लेने कोई नहीं आया। घर में हम 9 तारीख को शेखपुरा चेवाड़ा शेखपुरा मेरा गांव हुआ बसंत, मैं अपना भाई का शादी में गया था, ठीक है, तो मैं ताला बंद करके चला गया था। उसके बाद जब हम आज हम रिटर्न आए करीब 10:30 बजे, तो हम देखें कि बाहर का गेट का ताला और अंदर का गेट का ताला टूटा हुआ है। क्या वो ताला टूटा है? अलमारी को तो गिन नहीं पाएंगे, जो भी वहाँ पे है आपका सामने में है, ठीक है, तो वो चीज़ है, ताला सब वहाँ टूटा हुआ है। 1, 2, 3, 4 ताला, 4 ताला तोड़ करके प्रवेश किया मेरे अंदर में घर में, और कुछ ऐसा असामाजिक तत्व है जो कि मंदिर के सामने में दिन रात सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जुआ का ही चलता है, जो बीसीसीएल कर्मी है, मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ, ठीक है, लेकिन ये सब जहाँ तक कि शक के आधार पे कुछ कोई भी असामाजिक तत्व यहाँ पर रहता है तो उसी का ही देन होगा। इसके आगे भी बीसीसीएल का ऑफिस में बहुत बड़ा घटना हुआ, कैमरा वगैरह सब जितना था चोरी किया। क्या चोरी किया आपके घर से? मेरा घर से 25,000 कैश, 20 ग्राम सोना, अच्छे भरी सोना, 6 भरी चांदी। क्या क्या था आइटम में? क्या क्या आइटम में चेन था, और वो जो आपको फोटो दिखाए मुथूट फाइनेंस का, दो कॉइन था छोटा छोटा 2.5 ग्राम का। लगभग कितना के होगा? लगभग मोटा मोटी मान के 4,000। इसकी सूचना थाना को दे दिए? नहीं, हम थाना को नहीं दिए, थाना को 100 नंबर में मैंने फ़ोन किया, फिर उन्होंने हमको बोला 9 नंबर में आप फ़ोन कीजिए, 9 नंबर को मैंने डायल किया, 9 नंबर में बोला ठीक है आपका हम ये जोड़ापुर थाना ही कर देगा, और अभी तक कोई हमारे पास में कोई प्रशासन ना पुलिस ना थाना कोई नहीं है, कोई खबर तक नहीं दी। क्या नाम आपका? मेरा नाम SRD कुमार के नाम से है, लेकिन मेरा नाम देवेंद्र प्रसाद, एडवोकेट सिविल कोर्ट धनबाद।